ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना भिवानी की है। आरोप है कि युवक को जहर खिलाकर उसकी हत्या की गई है। मृतक सुरेंद्र लोहारू क्षेत्र के गांव गोठरा का रहने वाला है, जिसके करीब 5 महीने पहले गांव नांधा में शादी हुई थी। शादी के बाद से ही किसी बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन रहने लगी। मृतक के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी ने धोखे से युवक को घसलाकर उसे जहर दे दिया। मृतक के परिजनों की माने तो मरने से पहले सुरेंद्र ने न केवल फोन कर उन्हें सारी घटना बताई, बल्कि सुरेंद्र ने पत्नी से अनबन होने पर 23 मार्च को ही एक सुसाइड नोट लिखकर अपने कजन को व्हाट्सएप किया था। 19 नवंबर 2018 को मेरा बटेल लड़के सुरेंद्र की शादी नाना गांव में की थी। तो शादी के बाद उसे सुरेंद्र के साड़े में 5 लाख रुपये मेरे से नौकरी लगने के लिए उधार लिए। जब मैंने वापिस लेने की कही, उन्होंने मार्च की हाँ भरी थी, वापिस लेने की कही तो पहले टाड़ बटोड़ करते रहे, बाद में फ़ोन उठाना शुरू कर दिया, बंद कर दिया, यानी फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तो अब ये लड़का वो पैसे के लिए करने गया तो उन्होंने यानी कोई जहरीला पदार्थ खा खिला कर उनकी हत्या कर दी। कैसे पता चला? मुझे पुलिस के कंट्रोल रूम के द्वारा भिवानी से बताया। कोई सुसाइड नोट आपसे बात हुई हो? हाँ, सुसाइड नोट मेरे लड़के ने अपने यानी चाचा के लड़के के पास, ताऊ के लड़के के पास, संदीप के पास एक व्हाट्सएप कराया और एक फ़ोन कराया। फ़ोन क्या क्या बात हुई थी? फ़ोन पर वो कराया कि मेरे को बहका के बुला लिया गया और ये जहर दे दिया गया मेरे को। किसने जहर दिया? उर्मिला, उसकी पत्नी और उर्मिला की बुआ राजवाला और राजवाला का लड़का पिंटू कुमार। इसी आधार पर परिजनों ने मृतक की पत्नी, बुआ व उसके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हैरानी की बात तो ये है कि युवक की मौत की खबर उसके परिजनों को पुलिस के माध्यम से मिली। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके मृतक के पिता भी हैं पृथ्वी सिंह, उनकी स्टेटमेंट है जी, मेरा लड़का की शादी हुई थी, ये लड़की उर्मिला इसकी बुआ है राजवाला नंदा, और शादी के बाद उसका सुरेंद्र की का साला युवा लड़का 5 लाख रुपये मास्टर लड़की से उधार ले गया था, जिसने मार्च में वापिस लेने थे, पैसे वापिस लेने नहीं था, मास्टर जी आगे फोन नहीं उठा रहे थे, बार बार वो टॉल मटोल करते रहे। सुरेंद्र पैसे मांगने के लिए नंदा गया था तो नंदा पैसे देने से परेशान तंग पा करें और सुरेंद्र को परेशान किया, मारपीट की, और बताते हैं सुरेंद्र ने इस बात से तंग पा गया तो जहरीला पदार्थ खा लिया। प्रथम तहलका के लिए भिवानी से जगवीर घनघट।